महानगर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए रविवार को टीआई अख्तियार अहमद अंसारी और टीआई सुनील कुमार सिंघाल द्वारा रिक्रूट महिला कांस्टेबलों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद रिक्रूट महिला कांस्टेबलों को महानगर के 7 चौराहों पर तैनात किया गया। इस संबंध में टीआई अख्तियार अहमद अंसारी ने बताया कि आज महानगर के 7 चौराहे पर 42 रिक्रूट महिला कांस्टेबलों को लगाया गया है, जिन्हें प्रैक्टिकली प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करना है और चौराहे पर ट्रैफिक को कैसे चलाया जाएगा। यातायात व्यवस्था चलाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इस दौरान कचहरी चौराहा पर तैनात रिक्रूट महिला कांस्टेबलों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीआई अख्तियार अहमद अंसारी ने कहा, जो रिक्रूट महिला कांस्टेबल हैं इनको व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है चौराहों पर। 7 चौराहे हमने चिन्हित किए गए हैं 7 चौराहों पर। पिछले संडे को भी दिया गया था, इस संडे को भी। तो यातायात के बारे में इनको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे यातायात कंट्रोल करना है। ये करीब 7 संख्या 42 के आसपास है। हर चौराहे पर करीब 6 महिला रिक्रूट कांस्टेबलों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या ये कहा जा सकता है कि अब ट्रैफिक व्यवस्था की संभालेंगे? नहीं, जब ये ट्रेनिंग करके आएंगे तो बिल्कुल संभालेंगे। इसके अलावा भी लाइन में इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है? हाँ, इसके अलावा भी इनको वहाँ तो प्रशिक्षण इनका चल ही रहा है पुलिस लाइन के लिए। वहाँ तो इनका ITPT और इंडोर सभी प्रशिक्षण चल रहा है इनका। और उसके अलावा साथ साथ ये भी है, यातायात को किस तरह से चलाएंगे वो भी प्रशिक्षण हम लोग भी संडे को दे रहे हैं। पिछले संडे को भी दिया था, इस संडे को भी। ये हाँ चलता रहेगा, जो आदेश होगा चलता रहेगा हर संडे के लिए।